जमशेदपुर के एबीएम कॉलेज में इंटर के छात्रों से एनुअल एग्जाम फीस के नाम पर अवैध पैसों की उगाही कॉलेज के एक स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में झारखंड छात्र मोर्चा ने इस मामले को लेकर कॉलेज प्राचार्य से मुलाकात की, साथ ही जांच कर दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। इनके अनुसार कॉलेज में तमाम छात्रों को एनुअल फीस की रकम ऑनलाइन जमा करवाना है, लेकिन कॉलेज के एक स्टाफ के द्वारा छात्रों को सुरक्षित पैसे जमा करवाने के नाम पर उनसे नगद रुपए लिए जा रहे हैं और प्रत्येक छात्र से अलग से 150 रुपए भी लिए जा रहे हैं। इसका विरोध छात्रों ने किया है। झारखंड छात्र मोर्चा ने इस मामले को लेकर कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात की है, साथ ही इस अवैध वसूली को बंद कर इसकी संपूर्ण जांच कर दोषी स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की है। नहीं, अभी इन बच्चों से ही मुझे जानकारी मिली है। मैं इस पर अपना एक जांच कमेटी बनाकर इस पर जांच करूंगी, उसके बाद ही इसके विषय में कुछ बोलूंगा। आखिर क्यों ऐसा, ये आए दिन ही कॉलेज के स्टाफों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि नहीं आए दिन पैसे, तो कभी नहीं लगाए थे, पहली बार मेरे नॉलेज में आया है। आए दिन मैंने कभी नहीं सुना, ये पहली बार मेरे नॉलेज में आया है और इसके ऊपर मैं अपनी कमेटी बनाकर के जांच करके उसके बाद ही कोई जवाब दे पाऊंगी।